ये पाइपलाइन है ना 4 इंच की पानी की सप्लाई के लिए डाली गई है, जो बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही घटिया किस्म की है। अब इसको टेस्ट करने पर इसमें सीवरेज का पानी कल 4 बजे से आ रहा है, अब तक कम से कम नहीं तो इसको 48 घंटे हो चुके हैं और इसको किसी प्रकार से न तो सीवरेज वाले चेक कर रहे हैं, ना ही वाटर वर्क्स वाले चेक कर रहे हैं। प्रशासन की इतनी लापरवाही से ये पानी सीवरेज का जो पानी पीने की लाइन है उसमें आ रहा है। अब ये कैसे आ रहा है, इसका कनेक्शन कैसे पानी की लाइन में जुड़ा है, इसकी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। प्रशासन इस ओर कोई किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ओम जी, इसमें जो 4 इंची के जो पानी के प्लास्टिक के पाइप लगाए हैं वो बिल्कुल कमज़ोर और घटिया किस्म के लगाए हैं। जगह जगह से ये लीकेज हो रहे हैं, जगह जगह से ये बस्ट हो रही है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और सारी रोडों को शिवाजी नगर वार्ड नंबर 30 में खुर्द-बुर्द कर दिया गया, जिससे आम पब्लिक रोजाना परेशान हो रही है और सीवरेज लाइन का पानी पीने की लाइनों में चल रहा है, इस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं तो लापरवाही वाटर वर्क्स की और सीवरेज लाइन दोनों की मानता हूँ। इसमें सीवरेज लाइन के लिए जो सीवरेज का जो ठेकेदार है, सबसे बड़ी लापरवाही तो उस ठेकेदार की है। ठेकेदार ने जो पानी की लाइन में गलत कनेक्शन कहीं से कर रखा है, उसकी वजह से पानी की लाइन जो पीने की उसमें सीवरेज का पानी आ रहा है। नहीं देख रहे हैं, सभी प्रशासन आते जाते देख रहे हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, नहीं इसकी कोई देख रेख कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश लक्कन, महामंत्री अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, नगर शाखा मदनगंज, किशनगढ़।